जब हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे मैम, हमारे घर में खाने को नहीं होता था, हम भूखे सो जाते थे, इसलिए हम पढ़ नहीं सके। एज बहुत बड़ी थी मेरी, तो दूसरे स्कूल में हम लोग मेरा एडमिशन करवाने गई अम्मी, तो वो बोला कि क्या नाम है, नहीं भाई इसका एडमिशन नहीं ले सकते हम, ये छोटे छोटे बच्चों में अजीब सी दिखेगी। मुझे बहुत बुरा फील हुआ, मैं जाहिल हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। एक दिन मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो एक बच्चा भीख मांग रहा था, तो मैंने उसे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो कहने लगा कि इसलिए कि हमारे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं कि कुछ पैसे लाओगे तो खाना पूरा होगा तुम्हारा। तब मैंने सोचा कि ये तो दुनिया ही कोई और है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ, और आगे ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने की एक कोशिश की है परवीन अफशार राव ने, जो किसी नारे और दावे के बगैर सिर्फ अपने अमल से तालीम से महरूम बच्चों के रास्ते में इल्म के दिए रोशन करती जा रही हैं। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। मुझे सब कुछ पढ़ना और लिखना आता है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती हूँ जिसकी फीस ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 रुपया है। मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मैं इंजीनियर नहीं बन सका, तो क्या हुआ, आज मैं एक पढ़ा लिखा कारपेंटर तो बन गया। मैं ये फ़ख्र फील कर रहा हूँ अपने आप में कि मैं काम भी कर रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, ये सब मुझे अपने स्कूल से हासिल। अगर घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाए, जैसे पंखा या बल्ब वगैरह कोई बोर्ड वोर्ड, तो मैं उसे रिपेयर कर देता हूँ। अगर मुझे मोहल्ले से कोई बुला लेता है काम के लिए, अपने घर के काम के लिए, तो मैं वो काम कर देता हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं एक आर्टिस्ट बन ही सकती हूँ। हमारे घर के हालात बहुत खराब थे मैम, हमारे घर में खाने को नहीं होता था, हम भूखे सो जाते थे, इसलिए हम पढ़ नहीं सके। एज बहुत बड़ी थी मेरी, तो दूसरे स्कूल में हम लोग मेरा एडमिशन करवाने गई अम्मी, तो वो बोला कि क्या नाम है, नहीं भाई इसका एडमिशन नहीं ले सकते हम, ये छोटे छोटे बच्चों में अजीब सी दिखेगी। मुझे बहुत बुरा फील हुआ, मैं जाहिल हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। मुझे मालूम हुआ कि बड़ी उम्र के बच्चे भी आ रहे हैं, उन्हें कैसे पढ़ाना है। पहले तो हम छोटे बच्चों के साथ पढ़ाते रहे, लेकिन उनकी तादाद इतनी थी कि मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन्हें ज़रा मैं अलग करके पढ़ाऊँ, क्योंकि फिर छोटे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे और वो खुद भी शर्माते थे। तो हमने उनके लिए एक अलग निज़ाम भी तरतीब देना शुरू कर दिया और उन्हें अलग क्लास में भी बिठाना शुरू कर दिया। इस तरह इलाके के जितने बड़ी उम्र के बच्चे थे उन्हें दाखिल भी किया और उन्हें पढ़ाया भी। मेरे ख्याल में जब एक मर्द पढ़ता है तो सिर्फ एक फर्द पढ़ता है, लेकिन जब एक औरत तालीम हासिल करती है तो पूरा ख़ानदान तालीम हासिल करता है। हमने कम्युनिटी एजुकेशन के लिए एक ख़ास तरीक़ाकार बना दिया और वो ये कि जब आपको हमने पढ़ाया तो बेटा आपका फ़र्ज़ है कि आप भी किसी एक को पढ़ाएं। मेरी बेटी छोटी वाली मुझे पढ़ा रही है, वो 8th क्लास में है। अब मैं इतना पढ़ लिखना आ गया कि मुझे कि मैं हिसाब किताब घर में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। हमारी गली में एक दुकानदार रहते थे, हमने उनको बोला पढ़ना चाहेंगे, उन्होंने बोला मैं पढ़ा लिखा तो नहीं लेकिन मैं पढ़ लूँगा, आपसे कोई मसला नहीं है। अब वो अल्लाह का शुक्र उनको 1.5 साल हो गया पढ़ते हुए, उनको बहुत पढ़ना आ चुका है, मैगजीन पढ़ लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं और अपने बच्चों को पोतियों को
कहानियाँ पढ़ के भी सुना देते हैं। मुझे खुशी है कि मैं माए अपनी बेटियों को पढ़ाती हैं, मेरी बेटी ने मुझे पढ़ाया। हमारे स्कूल की बच्चियों ने, जिन्होंने नर्सरी से हमारे पास पढ़ा था, अब वो हमारे ही स्कूल में पढ़ा भी रही हैं। मैंने कहा कि यहाँ की बच्चियों को अगर मैं टीचर बनाऊँ, एक तो उनको आसानी होती है, दूसरे उन्हें रोज़गार मिलेगा, तीसरे ये कि इन बच्चों के मसाइल को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं और उनकी रिस्पेक्ट भी करती हैं। टीचर्स को मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लोन भी दिया जाता है। स्कूल में टीचर्स को लोन भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कि भाई आप अपनी सैलरी जो है वो तो घर लेके जाएं, क्योंकि घर वालों को ज़रूरत है, लेकिन आप अपनी एजुकेशन छोड़े नहीं। आज ही स्कूल कराची के अलावा लाहौर, सरगोधा और कश्मीर की मज़ाफ़ाती बस्तियों में 4-डायमेंशनल तालीम के दिए रोशन कर रहा है। 4 इमारतों में किए जाने वाले 4 मुख्तलिफ तालीमी कामों को कम खर्च बनाकर स्कूल को एक ही वक्त में 4 जहतों में काम करने वाला स्कूल बना दिया गया है, ताकि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को तालीम दी जा सके। शहरों के मज़ाफ़ात में इस मॉडल स्कूल को अप्लाई करें और बहुत सारे ऐसे स्कूल बना दें, तो हम एजुकेशन इमरजेंसी का काम कर सकते हैं, क्योंकि 4 तरह के लोग उसमें एक वक्त में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम बुनियादी एजुकेशन 8 से 10 साल में सारे पाकिस्तान को दे सकते हैं।